हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन रिलेटेड टू 1D मोशन। इंटीग्रेशन की एक वीडियो मैं यहां पर पहले डाल चुका हूं, तो वो वीडियो आप यहां पर देख लें। आज हम 1D मोशन के लिए, 1D मोशन के लिए इंटीग्रेशन पर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो हमारा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ए इज इक्वल टू क्या होता है? डीवी अपॉन डीटी। अगर मैं यहां से डीवी निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? ए डीटी। डीवी अगर मैं यहां से निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? ए डीटी। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूं, इधर भी इंटीग्रेशन मैंने किया और इधर भी मैंने इंटीग्रेशन किया, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन मेरे पास टाइम का वेरिएबल होगा तो मैंने इधर भी इंटीग्रेशन किया, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन करके मुझे यहां पर वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन डी टी, यानी अगर मैं एक्सेलरेशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन कर देता हूं, एक्सेलरेशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो मुझे वेलोसिटी मिलती है। ओके, इंटीग्रेशन कर देते हैं एक्सेलरेशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है। सिमिलरली आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी जो होती है वो dx by dt होती है, और अगर मैं यहां से dx निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? vdt। फिर से अगर यहां भी इंटीग्रेशन करें तो x is equal to क्या होगा? vdt। यानी अगर मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। क्या होगा ये? डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। ये आपको याद रखना है, ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस नहीं मिलेगा, और ये हमारी वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? हमारी वेलोसिटी मिलेगी, और ये हमारी क्या मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यानी अगर मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलता है, अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे वेलोसिटी मिलती है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर मैं अगर आगे लिखूं तो देखो, ये आपको पता है a इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी होता है, a इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी होता है। अगर मैं यहां से d और ये भी पता है आपको कि v इक्वल टू dx अपॉन dt होता है, अगर मैं dx निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? vdt। dx निकालूं तो v इनटू dt, और अगर ये v की वैल्यू, ये वाली v की वैल्यू, अच्छा एक काम करते हैं, अभी इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा? आपको पता है कि x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt मिलेगा। अगर इस वाले v की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूं तो देखो क्या आएगा, इस वाले v की वैल्यू यहां पर पुट करूं तो एक इंटीग्रेशन पहले ही है और एक इंटीग्रेशन यहां पर लग जाएगा, ए डी टी, और डी टी मेरा बाहर है। यानी ये मेरा क्या दे रहा है कि अगर मैं डबल इंटीग्रेशन कर देता हूं एक्सेलरेशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तब भी मुझे क्या मिल रहा है? डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तब भी मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो मैंने यहां पर तीन चीजें फाइंड आउट की है। फर्स्ट, इसको भी हम याद रखेंगे, इसको भी हम याद रखेंगे कि अगर मैं एक्सेलरेशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिलती है। ये चेंज इन वेलोसिटी दिखा रहा है, चेंज इन टाइम दिखा रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहां से चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और अगर मैं एक्सेलरेशन का डबल इंटीग्रेशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो यहां से जो फॉर्मूले मैंने फाइंड आउट किए वो मैं साइड में लिख देता हूं, जिनको मैं बाद में अभी यूज करूंगा। तो हमने देखा कि dv स्मॉल वेरिएशन वेलोसिटी इज इक्वल टू adt हमारा आया, और यहां से वेलोसिटी हमें मिल रही है जब हम एक्सेलरेशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सिमिलरली dx मेरा vdt हुआ, और x मुझे मिल रहा है अगर मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और एक मुझे x तब भी मिल रहा है जब मैं एक्सेलरेशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम डबल इंटीग्रेशन कर देता हूं, तभी मुझे क्या मिल रहा है? x मिल रहा है।
तो ये फॉर्मूले जो आज मैं यूज करने वाला हूँ वो मैंने यहाँ पर साइड में लिख लिए हैं। अब हम इन पर क्वेश्चंस देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन मैं आपको करा ही चुका हूँ कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो इंटीग्रेशन की जो फर्स्ट वीडियो है वो आप वहां से देख लें कि इंटीग्रेशन का रूल क्या है। ओके, अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं बच्चों। हमें यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है, क्या क्वेश्चन है हमारा, द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल। हमें एक वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे रखी है, v इज इक्वल टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी टाइम के साथ रिलेटेड है, टाइम के साथ वैरी हो रही है, टाइम के साथ रिलेटेड है, वो इक्वेशन हमें गिवन है यहां से। नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, क्या कहता है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम मीन पोजिशन से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम मीन पोजिशन एट t is equal to 1 second पर निकालना है। if it is given that displacement is, यानी x is equal to मुझे दे रखा है 20 meter when t is equal to 0। यह हमें गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जब टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 20 मीटर। अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों, क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट का रूल हमारे पास है, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला बाद ही बनेगी आगे। तो देखो मैं लिखता हूं dx is equal to v dt, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनिशियली टाइम मुझे जीरो दे रखा है, तो टाइम मेरा जीरो से 1 सेकंड तक वेरी हो रहा है, हमें 1 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो टाइम मेरा जीरो से 1 सेकंड वेरी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा इनिशियल कितना था 20, फाइनल हमें निकालना है। जब एक 1 सेकंड हो गया होगा, हम ये कह सकते हैं कि जो हमें यहां पर गिवन है, जब टाइम जीरो था तो एक्स 20 था, और जब टाइम हमारे पास 1 सेकंड हुआ तो एक्स कितना है वो फाइंड करना है। यानी टाइम मेरे पास जीरो से वन वेरी हो रहा है, ये टाइम में वेरिएशन हो कर रहा है, तो जीरो से वन मेरा टाइम वेरी हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट मेरा 20 से किसी एक्स तक हो रहा है, जो एक्स हमें 1 सेकंड पर फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, dx का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या हो जाएगा, x, तो इसको लिख देंगे 20 से x is equal to v constant, sorry, v की वैल्यू पुट कर लो, v की वैल्यू पुट करो, तो 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर इनटू dt और इंटीग्रेशन 0 से 1। तो वेलोसिटी की वैल्यू मैंने ऊपर से यहां पर पुट कर दी, चलो इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करो कांस्टेंट के साथ, dt के रिस्पेक्ट टू कर रहे तो t लग जाएगा, प्लस ये वेरिएबल के साथ है तो 2 एज इट इज, t का करेंगे तो t की पावर में 1 ऐड होगा और नीचे आ जाएगा प्लस 3 एज इट इज, t की पावर में 1 ऐड होगा, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये टोटल मेरा 0 से 1 वैल्यू हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, इस 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो यहां पर क्या बचेगा, देखो tan t प्लस t स्क्वायर प्लस t क्यूब 0 टू 1 हमारे पास बचा। तो हमारा रूल क्या कहता है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो देखो अपर लिमिट क्या है 1, तो यहां पर भी वन, t की जगह पर क्या आ जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 10 into 1 plus 1 का स्क्वायर plus 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0, 0 पुट करेंगे t की जगह पर, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, देखो 10 into 1 10
ये 1 प्लस 1 होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कितना हो गया 20। तो x माइनस 20 आया 12 मेरे पास, और अगर मैं x निकालता हूं तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 12 यानी 32 मीटर। कितना आ गया 32 मीटर, हमने यहां से निकाल लिया 32 मीटर हमारे यहां से आंसर में निकल के आ गया। जब टाइम 1 सेकंड हो गया था तो हमारा 32 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसके बेस पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, देखो यहां पर डब कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं आपको, ये हमारा आईआईटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कहता है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए स्पीड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए स्पीड, मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट मेरा 6.25 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इज डीएक्सेलरेटेड, वो कहता है कि इज रिटार्डेड या डीएक्सेलरेटेड, रिटार्डेड होता है, रिटार्डेड रिटार्ड करता है एट ए रेट, रेट हमें दे रखा है dv/dt इज इक्वल टू -2.5 root v। इससे वो रिटार्डेड होता है। उसका व्हाट इज द टाइम बाय द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, व्हाट इज द टाइम बाय द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। कितने टाइम में ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पे आ जाएगा, ऑप्शन भी गिवन है हमें। ऑप्शन क्या है, 2 सेकेंड, बी ऑप्शन हमें गिवन है 4 सेकेंड, सी ऑप्शन गिवन है 8 सेकेंड, एंड डी ऑप्शन गिवन है मेरा 1 सेकेंड। ये हमने ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो हमें यहां से फाइंड आउट करना है टाइम कि कितने टाइम में वो रेस्ट पे आ जाएगा। पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था और हमें रेस्ट पे निकालना। अच्छा, गिवन क्या क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए स्पीड, यानी इनिशियली यू हमें जो दे रखा है इनिशियली वो 6.25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, और हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है रेस्ट पे आएगा कम्स टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। इस रेट से वो मूव कर रहा है तो टाइम हमारा 0 से बढ़ेगा, और कोई टी होगा तो टी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, टी क्या करना है हमको, फाइंड आउट करना है। इक्वेशन हमें पहले से गिवन है, इक्वेशन है रिटार्डेड एक्सेलरेशन, उसका कनेक्शन में पहले से दे रखा है। चलो इसको करते हैं, क्या गिवन है हमें, dv/dt इज इक्वल टू -2.5 root v, ये हमें गिवन है पहले से। देखो v वाले को एक तरफ ले लेते हैं, तो dv के नीचे क्या आ जाएगा रूट वी और -2.5 dt। ओके, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो ये v की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1/2, और dv इज इक्वल टू -2.5 dt। टाइम मेरा 0 से कोई टी वेरी हो रहा, वो टाइम मुझे निकालना है, और वेलोसिटी देखो इनिशियल 6.25 है, फाइनल कितना है 0, तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं विद इन लिमिट। जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या रूल कहता है हमारा इंटीग्रेशन का, कि पावर में एक ऐड होगा, तो -2+1/-2+1 ऐड होके पावर नीचे आ जाती है। ठीक है, और इसकी लिमिट लिख देंगे हम 0.625 से 0, इसका करो -2.5 कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा टी, डीटी का टी हो जाएगा 0 से टी। नेक्स्ट टाइम में देखो ये माइनस का 1/2 प्लस का 1 है, तो 1/2 आएगा वो 2 पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर 2
यहां से माइनस का 1 बाई टू प्लस 1, तो 1 बाई टू बचेगा, 2 हमारा ऊपर आ जाएगा तो 2 पर आ गया। v की पावर कितनी, माइनस 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू, प्लस की 1 बाई टू बचेगी, यानी रूट v यहां पर हो जाएगा और 6.25 से 0 माइनस 2.5 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पर मैंने अपर लिमिट कर दी t माइनस करके लोअर लिमिट कर दी। अब देखो पहले अपर लिमिट करेंगे तो 0, तो माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा 6.25 और माइनस 2.5 इंटू टी। अगर इसका मैं रूट निकालता हूं, माइनस से माइनस कटेगा, इसका रूट निकालता हूं तो कितना आएगा 2.5 और इधर कितना है 2.5 इंटू टी, तो 2.5 से 2.5 कटेगा, टी इज इक्वल टू कितना आया 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू कितना आया 2 सेकेंड, यानी आफ्टर 2 सेकेंड इट कम्स टू रेस्ट, आफ्टर 2 सेकेंड वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो 2 सेकेंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो इनको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, हमें एक्सेलरेशन दे रखा है एक पार्टिकल का कितना, 3t² + 2t + 2, ये हमें एक्सेलरेशन दे रखा है एक पार्टिकल का और बोल रखा है पार्टिकल्स स्टार्ट्स आउट इफ पार्टिकल स्टार्ट्स आउट विद वेलोसिटी velocity 2 meter per second, start होता है 2 meter per second से at t is equal to 0, at t is equal to 0, then the velocity at the end of 2 second, then the velocity at the end of 2 second, After 2 second velocity कितनी होगी, इसके ऑप्शन हमें गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन हमें गिवन है 18 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन हमें गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड और डी ऑप्शन हमें गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आप आंसर मुझे बता देंगे आंसर कितना आएगा। चलो हम कराते हैं इसको। अब यहां पर एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन का रिलेशन कौन सा है, ये क्या हो जाएगा, देखो dv इज इक्वल टू a dt, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। ओके, देखो dv वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें 2 और फाइनल कहां रहा है वो, वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, टाइम इनिशियल 0 दे रखा है, फाइनल टाइम हमें 2 दे रखा है, तो यहां पर देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो कितनी है, 3t² + 2t + 2 into t, dv का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा v, कितना आएगा v, और क्या हो जाएगा लिमिट, हम इस टाइप से लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन करो तो 3 पावर में 1 ऐड होगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 पावर में 1 ऐड होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 2 के साथ क्या लग जाएगा t एंड 0 टू t। देखो जो कटता उसको काट देते हैं, ये कट जाएगा, यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर देखो यहां पर अपर लिमिट पुट करो तो 2 का क्यूब प्लस यहां पर पुट करो 2 का स्क्वायर प्लस यहां पर पुट करो 2 इंटू 2 माइनस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 पुट करेंगे t की जगह पर तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे देखो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 8 + 4 + 4, तो 8 + 4 = 4 कितना हो गया 16 और v अगर मैं निकालता हूं तो 2 इधर चला जाएगा
कितना आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई 18 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखो अब तक मैंने जो भी क्वेश्चन आपको कराया सब में जो एक्सेलरेशन था वो प्लस, सारे प्लस के थे, वेलोसिटी में कराया वो भी प्लस का था, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं जहां पर माइनस का होगा, तो अगर माइनस का आ जाता है तो क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट निकालेगा तो ट्विस्ट नहीं है, लेकिन अगर डिस्टेंस पूछ लेता है तो ट्विस्ट है। मैं डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहा हूं, इसको मेरा करता हूं अभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जितना इजी है क्वेश्चन दिखता उतना है नहीं। क्या है क्वेश्चन देखो, हमें दे रखा है पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ ए पार्टिकल, यानी हमें एक्स गिवन है 2+t - 3t2। यहां पर क्या आया, माइनस का आ गया, याद रखना है। पूछता है द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, द फर्स्ट हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड हमें डिस्टेंस भी निकालना है। अब सेकंड हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन टाइम इंटरवल, ट्रेवल्ड बाय इन टाइम इंटरवल 0 to 1 second में मुझे डिस्टेंस भी निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा इजी सा फैक्टर है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं इसका, तो देखो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या करना है, ये तो हमें दे ही रखा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, बस हमें टाइम वैल्यू पुट करनी है। तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो x2 माइनस x1 कर दो, x2 में इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना जाएगा 2+1 - 3 × 1² एंड माइनस x1 में क्या पुट करोगे 0, तो ये 2 बचेगा, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या हो जाएगा 2, तो देखो 2+1 = 3 एंड माइनस क्या हो जाएगा, ये भी 3 और माइनस 2 कट जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया -2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट से हमें कोई एलर्जी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया 2 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया 2 मीटर। तो मैं रब कर रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं इसको रब कर देता हूं। डिस्प्लेसमेंट यहां तक समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया कितना आया माइनस का 2 मीटर। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, अगर ये प्लस का होता तो डिस्टेंस जितना था उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता, क्योंकि देखो टाइम की वैल्यू में 0 पुट करता हूं तो 0 2 आता, टाइम वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 3+1, यहां पे क्या होता 3, प्लस का 3 तो ऐड होता, प्लस का होता तो जो डिस्टेंस होता वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता। लेकिन यहां पर माइनस का आ गया तो इससे ट्विस्ट जनरेट हो जाएगा। माइनस का आते ही हम सबसे पहले ये देखेंगे कहीं पर वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रही है। अगर 0 से 1 के बीच में वेलोसिटी 0 हो रही है तो इसका मतलब उस टाइम पर वो नेगेटिव भी होगी। पहले उसने इधर डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, फिर उसने इधर ट्रेवल किया, तो अगर मान लेते हैं वो इधर गया और कुछ टाइम बाद इधर आया तो डिस्प्लेसमेंट तो बचा इतना, लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ यहां से यहां तक का प्लस यहां से यहां तक का, तो ये हमें यहां पर ट्विस्ट जनरेट कर देता है अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो पहले मैं यहां पर ये देखूंगा कि क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर मेरी वेलोसिटी 0 हो रही है, 0 से 1 के बीच में अगर है तो ठीक 1 इधर डिस्प्लेसमेंट था उतना ही डिस्टेंस होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट था उतना ही क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट था उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, अगर वेलोसिटी टाइम के बीच में 0 नहीं होती। तो देखो पहले वेलोसिटी निकालते हैं, सेकंड पार्ट में इसका करा रहा हूं। अब अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूं तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों आपको पता है, dx/dt, क्या फॉर्मूला है dx/dt। यहां से अब हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन का, पहले पढ़ चुके हो तो x की वैल्यू पुट कर लो 2+t - 3t² हमारा हो जाएगा यहां से। तो देखो वेलोसिटी निकालो, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टाइम के, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहां क्या बचेगा 1 - 3, इसकी पावर आगे आ जाएगी तो 2t। अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, नॉट इंटीग्रेशन, तो यहां से क्या हो जाएगा v = 1 - 6t,
v is equal to 1 minus 60. When v is equal to 0 हो जाता है, तो 0 is equal to 1 minus 60. तो देखो टाइम कितना आ रहा है मेरे पास, 1 by 6 second. टाइम कितना आ रहा है हमारे पास, 1 by 6 second यहां से निकल के आ रहा है. कितना कौन निकल के आ रहा है, टाइम निकल के आ रहा है. इसका मतलब 0 to 1 second के बीच में 1 by 6 second आएगा. तो 1 by 6 second पर velocity क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और उसके बाद अगर मैं 1 पुट करता हूं या उसके बाद क्वांटिटी में पुट करता हूं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, हमारे पास दो केसेस बनेंगे यहां पर. एक बनेगा 0 से लेके 1 by 6 सेकंड तक हमें करना है, और एक बनेगा फिर 1 by 6 सेकंड से लेके 2 तक हमें निकालना है. फिर हम दोनों को ऐड करके डिस्टेंस निकालेंगे. तो देखो बच्चों यहां से ये हमारे पास इक्वेशन आई. अगर मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं, compare it with v is equal to u plus 80. यहाँ पर देखो initial velocity कितनी आ रही है, 1 meter per second, और acceleration कितना आ रहा है, minus का 6 v is equal to u plus 80. तो acceleration कितना आ रहा है, minus का 6 meter per second square. और ये भी हमें पता है कि final velocity क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. कब हो जाएगी 0, 1 by 6 second, after 1 by 6 second. तो देखो पहले मैं निकाल रहा हूँ, मैं मोशन ले रहा हूं फ्रॉम 0 टू 1/6 सेकेंड. 0 टू 1/6 सेकेंड तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये है. एक रिलेशन है आपको पता है, आप पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में भी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0. फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 0. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 1 का स्क्वायर 2 इनटू -6, और s हमें निकालना है. तो माइनस से माइनस कटेगा, कितना हो जाएगा, s 1 के अगर मैं बात करता हूं तो वो आ गया 1/16 meter. मोशन लिया मैंने 0 टू 1/6 सेकंड, तो मेरे पास डिस्टेंस आया 1/16 meter. अब मेरे पास बचा कौन सा, भी हमें 0 से 1 सेकंड तक निकालना है, 1 by 6 से लेके आगे चलना. तो 1 by 6 से 1 सेकंड तक का और डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो 1 by 6 से लेके, अब मैं ले रहा हूं यहां पर मोशन, मोशन फ्रॉम 0 टू 1/3, ये तो हो गया था 1 by 6 टू 1 सेकंड. 1 by 6 से 1 सेकंड, तो टाइम कितना बनेगा, 5/6. कितना बनेगा टाइम, 5/6 बनेगा. तो यहां से आप निकाल लो, हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता कितनी है, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, s is equal to ut plus half at square. s is equal to, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 1 थी, तो 1 into टाइम कितना है हमारे पास, 5/6 plus 1/2 acceleration कितना है, माइनस का कितना आया था 6, और टाइम की वैल्यू कितनी है 5/6 स्क्वायर. कितनी वैल्यू है टाइम की, 5/6 स्क्वायर. अच्छा एक सेकंड, यहां पर हम गड़बड़ कर सकते हैं, मोशन ऐसे गया तो यहां पर 1/6 सेकंड हुआ. अब ये वापस आ रहा है, रेस्ट हुआ, वो कहां आया, रेस्ट पे आया, वापस आ रहा है नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, इतने सेकंड पे वो रेस्ट पे आया, तो इनिशियल वेलोसिटी अब 0 होगी, वो नहीं रहेगी, क्योंकि 1/6 सेकंड पे वो रेस्ट पे आ गया था. तो इनिशियल वेलोसिटी, अब वो रेस्ट से चलेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, 0 0. तो s is equal to ये 0 हो गया, और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का डिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वो चलेगा. तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 into 25/36 और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 25/12. माइनस का ये शो कर रहा है कि अबे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है जो पहले था. अगर मैं टोटल डिस्टेंस पूछा है, इसमें टोटल डिस्टेंस निकालता हूं तो क्या होगा, s1 plus s2. s1 कितना 1/6 और s2 कितना है 25/12. डिस्टेंस में माइनस का नहीं लेते, क्योंकि इधर चला चाहे इधर चला हो, इधर आ रहा है तो नेगेटिव शो कर रहा है, डिस्टेंस चल रहा है, इधर चला फिर इधर आया तो डिस्टेंस चल रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लस का. इनको आप सॉल्व कर सकते हो, ये 1/16 और 12. अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा,
1/16 12 ठीक है 48 में एलसीएम हो जाएगा 3 + 4 कितना हो जाएगा 100 103/18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2.1 मीटर में आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने लिखा आंसर, आप सॉल्व कर लेना 2.1 मीटर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ये भी हमारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 16 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड, और हमें यह भी बोल रखा है कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो माइनस का 0.5 t है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का एक्सेलरेशन होता है रिटार्ड कर रहा है 16 मीटर पर सेकेंड से, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो तीन क्वेश्चन हमसे यहां वो करता है। फर्स्ट पॉइंट कहता है एट व्हाट टाइम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, एट व्हाट टाइम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, किस टाइम पर हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये सेकेंड क्वेश्चन पूछा। थर्ड पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द पार्टिकल इन 10 सेकेंड, डिस्टेंस इन 10 सेकेंड भी ये हमसे पूछ रहा है। तो क्या आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हमें देखना, फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना एट व्हाट टाइम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। अब वेलोसिटी कब चेंज होगी, जैसे देखो हमने पीछे वाला क्वेश्चन देखा था तो 1/6 सेकेंड की अगर हम बात कर रहे थे पीछे वाले क्वेश्चन में, तो उसके बाद ही वेलोसिटी चेंज हुई थी, यानी वेलोसिटी क्या हो गई थी 1/6 सेकेंड पे 0 हो गई थी। वेलोसिटी 1/6 सेकेंड पे क्या हो गई थी, हमारी 0 हो गई थी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तभी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो हमें वो टाइम निकालना जिस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ओके, चलो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। आपको पता है ये रिलेशन है हमारा dv is equal to ADT वाला रिलेशन है। ओके, तो यहां पर देखो वेलोसिटी अगर हम निकाले यहां से, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने पता है कितनी है 16, फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे अभी, और टाइम कितना है वो हमें निकालना है 0 से अभी इसको, यानी टाइम रहने देते हैं 0 से t, तो स्टार्टिंग तो 0 ही है। उसके बाद इसको करो, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा v 16 v हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो -0.5 t एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को रहने देते हैं। अब dt लग जाएगा इसके पीछे और 0 से t ये चेंज होगा। तो और देखो बच्चों क्या होगा, माइनस का 0.5 एज इट इज, t का करेंगे तो क्या हो जाएगा t² / 2 एंड 0 to t। ये जो माइनस का 0.5 है इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं, तो मैं इसको डायरेक्ट 1/2 लिख रहा हूं। ओके, तो आगे देखो v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -1/4 और t² - 0। तो अगर मैं यहां से वेलोसिटी निकालता हूं तो कितना आएगा 16 मेरा इधर से लगाएगा v -1/4 t² जी, मेरे पास वेलोसिटी निकल के आ गई अगर वो 0.5 एक्सेलरेशन से मेरा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारे पास जनरल वेलोसिटी निकल के आ गई। ओके, इसको हम याद रखेंगे, आगे इसका यूज करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, व्हेन
वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, देन इट्स डायरेक्शन इज चेंज, इट्स डायरेक्शन इज चेंज। जैसे मैंने आपको बताया पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था जब 1/6 सेकंड हो गया था तो वेलोसिटी जीरो, उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया था। तो जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहां पर देखो जीरो पुट कर देते हैं, 0 × 16 − 1/4 का t का स्क्वायर, 16 मेरा इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 16 × 4 आएगा, t की वैल्यू आ जाएगी यहां से 8 सेकंड। t की वैल्यू कितनी आई, 8 सेकंड। यानी जब वो 8 सेकंड हो जाएगा टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जब टाइम मेरे पास जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, 16 मीटर पर सेकंड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ कि 8 सेकंड तक वो हमारा यूनिफॉर्मली चलेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड। क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड। तो देखो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, dx is equal to vdt, distance initial तो हमारे पास 0 ही है, 0 to x कर देंगे, velocity हमारे पास initial कितनी है 16, या फिर हमने general velocity निकाली ली, time यहाँ पर vary कर रहा है, तो time हमारा 0 से 4, velocity की value put कर दे ये वाली, velocity की value ये वाली put करूँ कितना होगा, देखो 16 − 1/4 t square and 0 to 4, यहां पर पुट करोगे x, 0 to x is equal to, 0 to x is equal to, अब इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, देखो 16 के साथ क्या लग जाएगा, t minus 1/4 t का cube by 3 and 0 to 4, तो क्या हो जाएगा x minus 0 is equal to, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करो कितना हो जाएगा 16 × 4 − 1/12 × 4 का क्यूब, और जीरो पुट करेंगे तो माइनस जीरो रहेगा। इसको सॉल्व करो 48 16 4 64 माइनस इसको करोगे तो कितना होगा 48 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो कितना हो जाएगा 4 × 4 × 4 करोगे तो कितना होगा बच्चों बताओ, थ्री आ जाएगा है ना, 4 × 4 = 64 होगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी 59 मीटर। तो 4 सेकंड पर इसकी कितनी वैल्यू आई, 59 मीटर हमारी 4 सेकंड पर इसकी वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हमारा इसका हो गया। अब वो थर्ड पार्ट पूछता है डिस्टेंस इन 10 सेकंड। ये थोड़ा यहां पर आपको देखना होगा कि डिस्टेंस पूछ रहा है इन 10 सेकंड। तो देखो अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं 10 सेकंड में, अब मेरी बात सुनो, अभी हमने यहां पर क्वेश्चन किया था ये After 8 सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी थी 16 और जब टाइम क्या था मेरा यहां पर 0 था, तो 8 सेकंड तक तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हमारा जा रहा है, तो 8 सेकंड तक हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस, उसके बाद डायरेक्शन चेंज कर लेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा तो बाकी के 2 सेकंड में यहां तक पहुंचेगा। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो हम डायरेक्ट अपना ये वाला फॉर्मूला लगा देते कि dx is equal to vdt, जो चेंजिंग हो रही है 0 to 10 सेकंड की बात कर रहा है, x हमारा निकाल लेते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है, तो मुझे 8 सेकंड के लिए निकालना पड़ेगा अलग, ठीक है, और 2 सेकंड के लिए निकालना पड़ेगा अलग, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 सेकंड में यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आ जाए
उसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कर देंगे। तो पहले निकालता हूं मैं, देखो ए सेकंड के लिए डीएक्स निकाल रहा हूं मैं 0 टू 8 सेकंड के लिए, सॉरी डिस्टेंस ही तो निकालना है हमें। ओके तो वी वी देखो मेरा कितना है 16 माइनस 1 बाई 4 टी स्क्वायर डीटी और जो टाइम मेरा वैली हो रहा है वो 0 से लेके 8 सेकंड तक मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि 8 सेकंड के बाद वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इस फॉर्मूले ये फॉर्मूला किसके काम आता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का काम आता है। तो 8 सेकंड तक जितना डिस्टेंस उतना ही क्या रहेगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो v की वैल्यू मैंने पुट कर दी 16 माइनस 1 बाय 4 t2। आगे देखो ये क्या हो जाएगा x 0 टू x, इसका करो कितना हो जाएगा 16t माइनस 1 बाय 4 t3 बाय 3 और 0 टू 8, ये क्या हो जाएगा x माइनस 0 तो 16t, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 8 माइनस 1 बाय 12 8 का क्यूब माइनस 0। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर सकते हो आप। इसको आगे सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं यहां पर, जो आप सॉल्व कर लेना मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आपको जो भी करना है। तो x जब आप सॉल्व करोगे इसको, x की वैल्यू यहां से हमारे पास निकल कर आ रही है, डायरेक्ट मैं उसकी वैल्यू लिख रहा हूं 85.33 मीटर, यानी ये डिस्टेंस हुआ 8 सेकंड तक 85.33 मीटर। अब देखो मैं 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अगर निकालूं, अगर मैं इसी वाले फॉर्मूले को लेकर 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, तो क्योंकि ऐसे जा रहा है 2 सेकंड में वापस आ रहा है, वो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी, तो ये इस वाले डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करो ये आ जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा ये प्लस 2 सेकंड का ही। तो मैं 10 सेकंड का और निकाल लेता हूं, देखो 10 सेकंड का देखो वही क्या हो जाएगा 0 टू x, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x माइनस 0, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यहां पर कितनी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख दूं उसको। ठीक है, यही प्रोसीजर हमारा चलेगा। तो डायरेक्ट अब क्या हो जाएगा मेरे पास 16 × 10 माइनस 1/12 इंटू 10 क्यूब माइनस 0, यही आ जाएगा मेरे पास। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो x की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 76.67 मीटर, यानी ये मेरे पास हो गया 76.67 मीटर यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस 76.67 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, 8 सेकंड का ये रहा, 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये रहा, अगर मैं इस वाले डिस्टेंस में से ये माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। तो 8 सेकंड में देखो इस वाले में से इसको माइनस करो कितना आएगा, इस वाले में से माइनस करेंगे तो 8.33 है ना, 8.33 मेरा ये डिस्टेंस आ जाएगा। अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालता हूं, टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकंड कितना होगा, देखो 8 सेकंड का डिस्टेंस 85.33, 8 सेकंड का डिस्टेंस तो ये रहा, और बाकी के 2 सेकंड का डिस्टेंस कितना है 8.33, कितना है 8.33। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 33, कितना हो जाएगा 66 और 8.53 3 9 93.66 approximately हम लिख सकते हैं 94 मीटर हमारा इसका आंसर निकल गया।